हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। पूर्णिमा सुपर किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गोलगप्पे का पानी, जो हम सभी को बहुत ही पसंद है। तो अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के पास वाली बटन बेल बेल को क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। और कमेंट्स कीजिए। तो आइए देख लेते हैं इनके इंग्रेडिएंट। ये हम तीन तरह से बनाने वाले हैं। खट्टा पानी होगा और एक मीठा होगा और एक अजवाइन और हींग का पानी मैं बनाने जा रही हूँ। अभी हम पहले तीखा पानी बनाएंगे। उसके लिए मैंने खटाई भिगो के रखी थी 100 ग्राम। ये सूखी खटाई है, कच्चा आम की खटाई जो बनाई जाती है, उसको भिगा के रख दिया था मैंने 4-5 घंटे के लिए। और हरी मिर्च चाहिए होगी, अदरक चाहिए, और ये जीरा चाहिए, भुना पिसा जीरा, और काला नमक चाहिए, और ये सादा नमक, और ये पुदीना। पुदीना क्योंकि फ्रेश इस समय अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने सुखा के रखा था, वो पुदीना इस्तेमाल करूँगी। अगर आपको फ्रेश पुदीना इस्तेमाल करना है तो आप 50 ग्राम पुदीना पत्ती लेके उसको धो के अच्छे से और हरी धनिया के साथ पीस के उसको यूज कर सकते हैं। और ये पानी पूरी मसाला है एवरेस्ट का, ये मैं यूज करूँगी। और ये धनिया पत्ती ली है मैंने 100 ग्राम्स, ये लेंगे। एक मिक्सर जार लेंगे, उसमें ये सूखी खटाई को डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे पीस लेंगे। अब इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे पेस्ट को। अब 100 ग्राम धनिया पत्ती ही लेंगे, इसे मिक्सर जार में डाल देंगे। धो के ली है मैंने। और ये हरी मिर्च 3 ली है मैंने। आपको ज्यादा तीखा पसंद हो तो आप 5 ले लीजिए। अदरक डाल देंगे, ये एक टुकड़ा अदरक का मैंने काट के रखा था वो डाल देंगे। अब पुदीना पाउडर डाल देंगे, 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे। पानी डालकर, इसमें आधा कप करीब पानी डालकर पेस्ट बना लेंगे। ये ग्राइंड हो चुका है, अब इसे भी बोल में निकाल लेंगे। आप ये खटाई का पेस्ट 4 टेबल स्पून डाल देंगे। अब हरी धनिया का पेस्ट डालेंगे 3 टेबल स्पून। पानी पूरी मसाला डाल देंगे 2 टेबल स्पून। काला नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। सादा नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून। और जीरा पाउडर डाल देंगे करीब 1 टीस्पून। अब पानी डालेंगे, 4 कप पानी चाहिए, 1 लीटर पानी। अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा पानी तैयार। अब इसमें बूंदी डालेंगे, करीब 1/2 कप बूंदी डाल दें। हमारा तीखा पानी बन के तैयार हो गया है। अब हम मीठा पानी बना लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट। मीठा पानी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1 बोल, ये 100 ग्राम मैंने इमली ली है, इसको गर्म पानी में भिगो के रखा है। और ये गुड़ चाहिए होगा, गुड़ अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। मैंने आधा कप लिया है, आधा कप से ज़्यादा है, 3/4 कप है। और ये किशमिश ली है। और काला नमक, सादा नमक चाहिए, और ये भुना पिसा जीरा, और लाल मिर्च पाउडर, और बूंदी चाहिए होगी, और ये चाट मसाला, और ये पानी पूरी एवरेस्ट पानी पूरी मसाला, और ये सौंफ चाहिए, दरदरा है सौंफ। ये अच्छे से फूल गया है, इसको मैश कर लेंगे इमली को। इमली को मैश कर दिया है मैंने, अब इसको छान लेंगे।
पानी डाल के अच्छे से छान लेंगे, दबा दबा के। अब इसे छान लिया है मैंने, अब इसमें गुड़ डालते हैं। घोल देंगे इसको अच्छे से मिक्स करते हुए। गैस पे रख देंगे इसको, गुड़ पिघला लेंगे। गुड़ पिघल गया है, अब इसमें सौंफ पाउडर डाल दूंगी 1 टीस्पून। सौंफ को थोड़ा सा मैंने दरदरा कर लिया था, वो डाल दूंगी। थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे 1/2 टीस्पून करीब, और जीरा पाउडर, भुना पिसा जीरा डालेंगे 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। काला नमक 1/2 टीस्पून, सादा नमक 1/2 टीस्पून डाल दें। पानीपुरी मसाला भी थोड़ा सा डालेंगे 1 टीस्पून करीब। अब पानी डाल देंगे 2 कप, पानी इसमें पहले ही था इसलिए कम ही डालेंगे। अब इसमें किशमिश डाल देंगे, ये मैंने भिगा के रखी थी। हमारा मीठा पानी रेडी हो चुका है, अब इसमें ये बूंदी डाल देंगे 1/2 कप, सॉरी 1/4 कप। हमारा मीठा पानी रेडी हो चुका है, अब हम बनाएंगे अजवाइन और हींग का पानी, तो आइए देख लेते हैं। अजवाइन और हींग का पानी बनाने के लिए हमें चाहिए, ये अजवाइन ली है मैंने, इसको कूट लिया है दरदरा, और हींग चाहिए, और ये पानीपुरी मसाला, और काला नमक, सादा नमक, और भुना जीरा पाउडर, और 2 नींबू लिए हैं मैंने, और ये बूंदी चाहिए होगी, और ये हरा मसाला जो मैंने हरी धनिया और पुदीने का पीस के रखे था, और ये पानी चाहिए होगा 4 कप, और ये चाट मसाला चाहिए। अजवाइन और हींग का पानी बनाने के लिए हम ये हरा पेस्ट लेंगे, हरी धनिया का 3 टेबल स्पून। अब नींबू डालेंगे, इसके बीज नहीं जाने चाहिए, बीज निकाल के डालें। जितना खट्टा चाहिए उतने नींबू डालिए, मैंने 2 नींबू लिए हैं। आप इसे नींबू की जगह जो सूखी खटाई मैंने पेस्ट पीस के रखा था उससे भी बना सकते हैं, आपकी चॉइस है, आप नींबू से बनाए या सूखी खटाई से। नींबू मैंने निचोड़ लिए हैं, अब ये अजवाइन डाल देते हैं, इसको मैंने कूट के रखा था। 1 टेबल स्पून डाल देंगे अजवाइन, और हींग 1/2 टीस्पून डाल देंगे। भुना पिसा जीरा पाउडर डाल दूंगी 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून इसमें काला नमक डालेंगे, सादा नमक डाल देंगे 1/2 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इसमें आप पानी पूरी मसाला डाल देंगे 1 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून कर सकते हैं, और चाट मसाला थोड़ा सा डाल देंगे 1/2 टीस्पून। अब 4 कप पानी डालेंगे इसमें, 1 लीटर पानी। हींग और अजवाइन का पानी रेडी हो चुका है, अब इसमें भी बूंदी डाल देंगे। हमारे तीनों तरह के पानी रेडी हो चुके हैं, और आप अब नेक्स्ट वीडियो में प्लीज मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, जिसमें मैं गोलगप्पे बता रही हूँ, उसमें भी मैं 3 तरह के गोलगप्पे बनाना बता रही हूँ, और इमली की चटनी भी बनाना बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।